फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये डे 3 पार्ट 2 है, हम आ गए हैं 5 गाइस। मुझे यहाँ पे बीफ बर्गर खाना था और ये रहे पैसे। अब हम लेते हैं बीफ बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और फ्राइज। और जो है ना, ये रखे हुए हैं आलू और ये इधर सीन्स हैं। हम वो अच्छा, मुझे 5 गाइस ट्राई करना था। असीम को यहाँ पे एक है KGB, वो पता नहीं कौन सा, वो बर्गर ट्राई करना है। तो हम पहले यहाँ पे खाते हैं, फिर हम ऊपर चल गए, ऊपर वाला ट्राई करते हैं। तो ये मेरे पास है, सॉरी। ऑर्डर प्लेस हो गया है हमारा। हाउ मच टाइम ब्रो? दे दिए जो है ना, वो फ्री रिफिल्स हैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आई थिंक हम ले लेते हैं थोड़ा सा आइस और सांता। अच्छा सीन है, यहाँ पे सारे सॉसेज रखे हुए हैं, इधर केचप, सब कुछ। मतलब आप खुद लो, खुद सब कुछ करो, वो बड़ा अच्छा है। हमें जो मील पड़ा है वो पड़ा है 77 रिंगिट का। ड्रिंक हमारी आ गई है, यहाँ से जो है वो सॉस ले लेते हैं। इतना जूसी, इतना हैवी बर्गर है ये यार, मतलब अमेजिंग। लंच करते हैं और फिर मिलते हैं, बहुत मजे का लंच है। सो यस, अब हम लोग लंच करके निकल गए हैं। मतलब 5 गाइस का बर्गर इतना हैवी था, इतना हैवी था कि मेरा पेट भर गया, नसीम का पेट फुल हो गया। एक बर्गर में डबल पैटीज थी और बर्गर बहुत हैवी था, बहुत हैवी था। अब हम लोग जा रहे हैं घर, अब घर जाके रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा। इतनी हो रही है कि पवेलियन के अंदर सारा पानी आ रहा है और अब ये देखें सारी क्लीनिंग चल रही है, तो हम उधर से जाएंगे। चल ये है कि इस बारिश में, इतनी तेज़ बारिश में पवेलियन से अपने होटल तक जाना, और हमारा होटल अच्छा खासा दूर है, लाइक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की वॉक आराम से है। सो क्या, तो अभी वेट कर लेते हैं, लेकिन थक इतना गए हैं कि यहाँ पे वेट हो नहीं रहा है, बस हो रहा है कि भागो यहाँ से। सो अभी देखें क्या होता है। सो बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं आ गई हूँ मैक के। ये सबसे बड़ा मैक का स्टूडियो है पूरा केएल का, और अब यहाँ पे जो है वो हमें ट्राई, मतलब मुझे देखना था कि क्या क्या न्यू चीज़ें। मस्कारा ये एक ही था और ये मेरे पास है, ज़्यादातर चीज़ें वो थी जो मेरे पास हैं, लिप शेड्स वगैरह भी। कुछ न्यू मुझे देखना था, कुछ अच्छा मिल जाए मैं ले लूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं। लेकिन मैंने देखा, स्टोर पूरा देखा आराम से। उधर मैं आई हूँ यहाँ पे कुछ डिफरेंट ट्राई करने। यार यहाँ पे ना बहुत अच्छा सा शेड मुझे दिखा है, नो दिस वन नहीं यार, ये है पर्पल, ये वाला शेड यार मुझे ये ट्राई करना है। ओके, जस्ट वाइप इट ऑफ, वाइप इट। ओके ओके, सो look at this shade. No, it's not good. It's not, it's stick. Okay. तो यस यार, इन्होंने मुझे मैक का स्टोर विजिट करवाया। ये सबसे बड़ा स्टोर है कुआलालंपुर का, एंड यार शी सो स्वीट, थैंक यू। सो मैक का स्टोर विजिट किया है, सो अच्छा था। लेकिन अभी मेरा शॉपिंग डे आज नहीं है, शॉपिंग डे मेरा ट्यूसडे को है, तो जो जो मेरी शॉपिंग लिस्ट है वो ट्यूसडे को ही मैं आऊँगी लेने के लिए। और अब बारिश थोड़ी रुकी है, तो हमने ये बोला यार जल्दी से भागते हैं होटल की तरफ, ताकि फिर तैयार होके कपड़े वगैरह चेंज करके हमें वापस निकलना है। देखें कहाँ जाते हैं घूमने के लिए, सो लेट्स गो। हम होटल वापस आ गए, LNM पे आए हैं। यहाँ से कुछ मैं शाहजन के लिए ले लूँ, यार उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ सुबह से।
मैं खुद ही आ गई हूँ देखने के लिए कि क्या खा सकता है शाजी है कि प्रिंगल्स में भी पता नहीं कोई और सा नाम है, प्रिंगल्स भी नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। चलें कुछ लेती हूँ मैं फिर खाते हैं कि फिर एंटर हो रहे हैं इस होटल का। मैं कल पूरा रिव्यू वीडियो शूट करूँगी। वैसे तो लॉबी वगैरह तो अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, रूम भी अच्छा है, सर्विसेज भी अच्छी हैं। ये बस एक चीज़ नहीं पसंद आई मुझे, वो है यहाँ का ब्रेकफास्ट, जो कि आज थोड़ा बेहतर सर्व किया था, कल तो बहुत बहुत ज़्यादा वो था। चलो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। बस अब आ गया है हमारा रूम। मैंने रूम का वीडियो नहीं दिखाया था, ये सफाई हो गई है सारी। ये रहा यहाँ का व्यू, अब मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। पार्ट टू, अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर पे और मैंने दोबारा से ये शर्ट पहनी है, इसके पीछे एक रीज़न है, मैं आपको रीज़न दिखाती हूँ। उसके बाद मेरे पाँव में छाले निकल आए हैं और मुझे ये पहन के जाना पड़ रहा है और ये सिर्फ मैच मेरी इसी टी शर्ट से हो रही है, इसी टी शर्ट से मैच हो रही है, क्योंकि आज इतनी लंबी वॉक थी, 10,000 प्लस स्टेप हो चुके हैं, तो वो मेरे पैर पे नीचे इतने मोटे मोटे छाले निकले हुए हैं। सो ये जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने यही पहन लिया है। और मैं हम लोग बस निकल गए हैं, मैं एक सेकेंड चेक कर लूँ कि मैंने सारी चीज़ें रख ली। वही देख रही हूँ, रखी थी ना एक। सो अब जो है वो फाइनली निकलते हैं, की उठाना ज़रूरी है वरना फिर रूम में एंट्री नहीं मिलेगी। और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, निकल के देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। सो लेट्स गो। लिफ्ट आ गई हम लोग आ गए हैं बाहर। अच्छा बारिश लिटरली अभी रुकी है यार, ऐसी बारिश हो रही थी। हम लोग आ गए हैं इधर हमारे पास ये भी एक रेस्टोरेंट है अरबिक, अगर ये ट्राई करना है। बाकी इधर से हम निकलेंगे ना तो हमारे पास पूरी स्ट्रीट है, हम देख लेते हैं कि हमें क्या खाना है। बस जा रहे हैं हम लोग, इतना सुकून मिल रहा है, मैंने मेकअप नहीं किया, जस्ट मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और नीचे बिल्कुल अपनी कंफर्टेबल स्लीपर्स पहनी हुई हैं, बहुत सुकून फील हो रहा है। वरना जो है ना वो शूज़ ने तो मेरी बैंड बजा दी है यार, दो दिन से जो मेरी हालत है पैरों की ना, मैं जाते घर जाती हूँ और गर्म पानी में ना थोड़ी देर अपने पैर डाल देती हूँ कि यार सुकून मिले। मुझे अब पता चला यहाँ पर हर जगह पर फुट मसाज क्यों है, मेरे पाँव में छाले निकले हैं वरना मैं फुट मसाज लेती। सो अभी एक दो दिन में फुट मसाज भी लेंगे। चिकन आ रहा है, सीन से डिसाइड करते हैं हमें क्या खाना है। चिकन पे आ गए हैं और अब यहाँ पे ऑर्डर करने लगे हैं सीन कि हमें क्या खाना है। और अभी जो है वो वेट करते हैं, ये आई थिंक कोई दुबई का है, ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट ऑफ दुबई। ऑर्डर दे दें फिर खाए, बहुत भूख लगी है यार, बहुत भूख लग रही है। यह है हमारा आज का खाना, ये स्वाप का चिकन है, दिस इज सम वर्क, व्हाट इज दिस, दिस इज दवा। मुझे आज थोड़ा ये खाना था तो मैं ये खा रही हूँ, राइस का मूड था मेरा, केचप हमारे पास इधर ही होता है, अभी ट्राई करते हैं। यहाँ पे खा लिया है, यहाँ का खाना बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी था, literally enjoy। ज़रा हम वॉक करते हैं कुछ, अगर शीशा वीशा पीने चलते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे वही स्ट्रीट पे, जो स्ट्रीट मैंने आपको कल वॉक में दिखाई थी, लेकिन हम वहाँ पे खा नहीं पाए थे कुछ भी क्योंकि पेट भरा हुआ था। वैसे तो पेट आज भी भरा हुआ ही है,
लेकिन मेन्यू बहुत अमेजिंग था। यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, बार्स वगैरह हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये कुछ स्ट्रीट चल रहा है, चलेंगे अगर ना कुछ ना कुछ दिख रहा है शॉपिंग से रिलेटेड। यहाँ पे ये क्या है, ये हम पियेंगे बाद में। मुझे आइस ये बोबा टी की जो आगे ट्राई करनी है पाकिस्तान में, तो पियर्सिंग भी हो रही है क्या, कोई शॉप हमें दिख गई है। रिंग्स हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। लग रहा है हम आ गए हैं जॉर्डानो पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ का शावरमा या कुछ रोल वगैरह फेमस है, क्योंकि लोग जो है वो ये क्या कहते हैं, ये जो कुछ रोल वगैरह है या शावरमा है, शवारमा लग रहा है बहुत फेमस है, क्योंकि लोग नीचे बैठ के खा रहे हैं लाइक स्ट्रीट पे बिल्कुल। आई थिंक हम वो वाली स्ट्रीट ही चलते हैं सी, ठीक है, फूड स्ट्रीट। सो गया ये, अच्छा है ना, नहीं सो, हाँ इधर ही है गेस। सो हम आ गए हैं वही वाली फूड स्ट्रीट, अब चलें। यहाँ पे हराम हलाल मिक्स है, तो यहाँ की जो स्मेल है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये फूड स्ट्रीट ये बड़ी हैपनिंग है, ये फूड स्ट्रीट है लेकिन यहाँ हराम हलाल मिक्स है, और हमारे खाने वाला यहाँ पे सिर्फ फ्रूट्स हैं, सिर्फ फ्रूट्स हैं। सो हम ट्राई करते हैं यहाँ से कुछ। Hello, restaurant, bro. हम लोग बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अरे ये फ्रूट शॉप, तो हमने वो स्ट्रीट जो है वो क्रॉस कर ली है, तो हम स्ट्रीट से इधर निकल गए हैं। ये मैंने ट्राई करी, ये बहुत मज़े के हैं, कोकोनट इनके साथ सॉस दी हुई है, स्वीट है, सॉल्टेड जो है वो राइस हैं, और स्वीट मैंगो हैं, तो ये इसका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन पेट भरा हुआ है तो मैंने इसको रख दिया है। हम इसको ठंडा करके खाएंगे ताकि इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। ओके ये देखें, चलें अब हम देख रहे हैं कि कोई रूफ टॉप कैफ़े मिल जाए हमें, हम वहाँ पर एक दो घंटा बैठ के चल करें, उसके बाद हम होटल जाएँ।
एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारा एक्चुअली कल होटल का वो भी ख़त्म हो रहा है, हमने सिर्फ 3 दिन के लिए लिया था क्योंकि ये एक्सपीरियंस करना था कि होटल अच्छा है या नहीं है। पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया वहाँ का, थोड़ा सा लाइक 3 स्टार होटल था। तो अब हम आगे जाके कोई नया होटल देख रहे हैं, कोई हमें 5 स्टार या 7 स्टार मिल जाए। नेक्स्ट जो 4 डेज़ की बुकिंग है या 5 डेज़ की, वो हम वहाँ पर करेंगे। तो अभी जो है वो मैं ब्लॉग का भी एंड करती हूँ, अगर कुछ ऐसा होगा जो मुझे ब्लॉग में लेना होगा तो फिर मैं शूट करूँगी ब्लॉग। तब तक के लिए आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।